नमस्कार दोस्त। तो भाई कभी ना कभी आप लोग सुनते होंगे कि पुलिस ने किसी होटल में रेड डाली और वहां से अनमैरिड कपल को रंगरेलियां मनाते हुए अरेस्ट कर लिया। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या कपल का इस तरह से रंगरेलियां मनाना कोई जुर्म है, कोई क्राइम है? वहीं पर दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या पुलिस को इस तरह से अरेस्ट कर लेना सही है या फिर गलत? इस सिचुएशन में अनमैरिड कपल्स के क्या क्या लीगल राइट्स हैं? तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट ही देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग यानी कि धमाकेदार, मजेदार और खुशबूदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से कोई भी मोबाइल नंबर रिचार्ज करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। वहीं पर अगर आप लोग योनो SBI एप्लीकेशन इस्तेमाल करना नहीं जानते या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करना नहीं जानते घर बैठे, तो दोनों ही वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, आखिर में अनमैरिड कपल्स के लीगल राइट क्या है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, हमारे देश में यानी कि इंडिया में जितने भी कानून शुरू होते हैं वो हमारे संविधान से ही शुरू होते हैं। मतलब कि संविधान में एक आर्टिकल नंबर 21 है यानी कि अनुच्छेद नंबर 21 है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति अपना लाइफ अपने खुद की मर्जी के हिसाब से जी सकता है। मतलब कि उसे फ्रीडम दिया गया है, आजादी दिया गया है कि वो पर्सन कहीं भी कभी भी जा सकता है, इंडिया में, अपने देश में कहीं भी वो जा सकता है। इसलिए अगर कोई अनमैरिड महिला यानी कि अनमैरिड फीमेल और कोई भी पर्सन बुक होटल बुक करता है, लेकिन उसका जो एज है वो 18+ होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। 18+ अगर आपका एज है और आप रूम बुक करते हो तो ये गैर कानूनी नहीं है हमारे देश में। इसलिए कोई भी महिला और कोई भी पुरुष, कोई भी मेल, कोई भी फीमेल जो कि 18+ है यस उसका, वो कहीं भी किसी भी होटल में रूम बुक कर सकता है, चूंकि फ्रीडम है ना। और एसोसिएशन यानी कि होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें किसी बालिग लड़के या फिर बालिग लड़कियों को किसी भी होटल में रूम बुक करने से रोके, ऐसा कहीं भी नहीं। लेकिन उसके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। रूल्स के अनुसार अगर कोई अनमैरिड कपल्स किसी होटल में रूम बुक करके रुकते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करता है तो पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकती। मतलब कि उनसे पूछताछ, पुलिस का एक रूल है, वो पूछताछ तो कर सकती है लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर सकती। और साथ ही कंडीशन ये है कि आपका 18+ एज होना चाहिए और आपके पास एक आईडी प्रूफ भी होनी चाहिए। अब बात आती है सेक्सुअल रिलेशन की, क्योंकि काफी सारे ऐसे अनमैरिड कपल्स होते हैं जो कि कहीं भी कभी भी अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं। लेकिन दोस्त यहां पर बात आती है कि अगर कोई अनमैरिड कपल्स अपनी सहमति से, मतलब कि अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से अगर किसी भी होटल में सेक्सुअल रिलेशनशिप मनाता है यानी कि बनाता है तो क्या ये गैर कानूनी है? तो दोस्त ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 18+ है और साथ ही उसके पास आईडी प्रूफ होता है और वो अपनी मर्जी से किसी भी होटल में सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कोई भी कपल्स होटल में रूम बुक करके अपना टाइम अच्छी तरह से बिता सकता है यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है, कोई गैर कानूनी नहीं है। अब बात आती है कि पुलिस किसी भी होटल में रेड क्यों डालती है। तो दोस्त इसके दो मेन रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन कि पुलिस को एक टिप मिली हुई होती है कि इस होटल में वैश्या भी, देखिए हमारे इंडिया में वैश्या भी होते हैं, तो वहां पर पुलिस को एक सबूत मिला हुआ होता है कि इस होटल में वैश्या का काम चल रहा है, तो उस वजह से वहां पर पुलिस रेड डालती है। वहीं पर दूसरा रीजन ये भी होता है कि मान लीजिए पुलिस को ये भी एक टिप मिली हुई होती है कि उस होटल में कोई भी क्रिमिनल छुपा हुआ है, तो इस वजह से पुलिस उस होटल में रेड डालती है। लेकिन बाय चांस अगर आप किसी भी होटल में किसी भी लड़की के साथ पकड़े गए तो उस कंडीशन में आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए जिस पर एज 18+ होना चाहिए, यानी कि जो प्रूफ आपके पास है उस आईडी प्रूफ पर आपका जो उम्र है 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपको पुलिस कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन हर एक पुलिस हर एक जैसे होते हैं, मतलब कि तरह तरह के होते हैं, तो कोई भी पुलिस ऐसा, कुछ कुछ पुलिस ऐसे होते हैं जो कि आपसे काफी सवाल जवाब करते हैं, काफी क्वेश्चंस करते हैं, कुछ पुलिस हो सकता है आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं या फिर कुछ भी रिश्वत भी मांग सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप एसपी को रिटर्न कंप्लेन कर सकते हैं। एसपी को ऐसा कई बार केसेस में, कई केसेस में देखा गया है,
काफी सारे ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो कि अनमैरिड कपल को अरेस्ट कर लेते हैं किसी किसी होटल में जिसका एज 18+ होता है, और वो अपने सहमति के अनुसार से रिलेशनशिप मनाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो काफी सारे ऐसे अनमैरिड कपल होते हैं जो कि रिटर्न कंप्लेंट करते हैं एसपी को, और उस पुलिस को वहां से सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब कि उस पुलिस को सस्पेंड ही कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपके पास साथ कभी भी ऐसा होता है तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको भी कंप्लेंट करना है, ताकि मान लीजिए अगर आप 18+ हो और आपके पास आईडी प्रूफ भी है, उस पर भी एज 18+ है, और अगर आपसे पुलिस ज्यादा पूछताछ करती है, अरेस्ट करती है, रिश्वत मांगती है, तो आप आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी भी होटल में रुक रहे हो, किसी भी पार्क में, किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर आप रिलेशन बना रहे हो ना, तो उसका एज 18+ होना चाहिए। अगर कोई भी लड़की, कोई भी महिला 18 से कम है, 18 वर्ष से कम है, तो उस कंडीशन में अगर आप उसके साथ सहमति के अनुसार, यानी कि दोनों आप सहमत हो, दोनों आप अपनी मर्जी के सहमति से हिसाब से आप रिलेशनशिप बना रहे हो, फिर भी ये एक रेप कैटेगरी के अंतर्गत आएगा कि आपने रेप किया है, और आपको पुलिस आसानी से अरेस्ट कर सकती है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्त, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अनमैरिड कपल्स के लीगल राइट्स क्या क्या होते हैं। अब आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।